लो, आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं बफर का पीएच कैसे निकालते हैं, बफर का पीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, बफर के पीएच निकालने से पहले हम लोग सीखेंगे कि बफर काम कैसे करता है, आपका जो बफर है काम कैसे करता है। ठीक है, टॉपिक रहे अपना बफर एक्शन, क्या रहेगा बफर एक्शन। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा बफर एक्शन कैसे करता है। तो ध्यान देना इसके लिए, आपको समझाने के लिए, देखो तो बफर का काम क्या होता है ना, बफर में मान लेते हो है कि देखो, अगर मान लेते हैं कुछ सिस्टम में कि सिस्टम में हम एसी ऐड करते हैं, तो मान लेते हैं कि सिस्टम में, अगर सिस्टम 1 लीटर का है, तो अगर सिस्टम न्यूट्रल, अगर सिस्टम का पीएच अभी 7 है, मान लेते हैं सिस्टम न्यूट्रल है, इसमें अगर मान लेते हैं कि तुम अगर ऐड कर दिया वन मोल HCl, तो 1 मोल HCl क्या करेगा, इस सिस्टम में आएगा, तो सिस्टम आएगा तो इसमें उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल HCl पर वॉल्यूम 1 लीटर मान देते हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर मान लेंगे तो क्या होगा, उसका इसमें कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। सर पीएच कितना हो जाएगा, पीएच हो जाएगा 0, पीएच हो जाएगा 0। देख रहे हो आप, 1 मोल HCl ऐड किए तो पीएच जो है 7 से कहाँ पहुंच गया, 0 पहुंच गया। ठीक है, तो अगर इवन देखो, इवन तुम HCl को अगर मान लेते हैं, HCl को एक केस 1 था, हम केस 2 सोच रहे हैं कि इसमें HCl अगर ऐड करते हैं, 10^-2 मोल HCl ऐड करते हैं, इतना मोल हम HCl ऐड करेंगे, बहुत कम, 10^-2 मोल बहुत कम होता है जी, तो इतना मोल भी HCl ऐड करोगे तो इससे आपका एचप्लस कितना मिलेगा, तो एचप्लस मिलेगा 10^-2, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देख रहे हो कि बहुत लेस अमाउंट भी तुम अगर एसिड ऐड करते हो तब भी क्या होता है, तब भी आपका पीएच फटाफट चेंज करता है। पीएच देख रहे हो, पीएच क्या है, बहुत फटाफट पीएच आपका चेंज कर रहा है। ठीक है, पीएच जंप कहाँ रहा है, 7 से कहाँ जंप हो जा रहा है बच्चा, 2 पे जंप हो रहा है, 7 से कहाँ जंप हो रहा है, 2 पे जंप हो रहा है। ठीक है, तो पीएच आपका जंप हो रहा है 7 से लेके 2 पे जंप हो जा रहा है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड कर दो, तभी सिस्टम का पीएच बहुत रैपिडली जंप करता है, पीएच बहुत रैपिडली जंप करता है। अगर आप स्मॉल अमाउंट भी अगर डालते हो ना, स्मॉल अमाउंट भी डालते हो सिस्टम में एसिड या बेस, तो आपका पीएच बहुत रैपिडली जंप करता है। ठीक है, तो हमारा बफर क्या करता है, बफर ये करता है कि अगर, ठीक है, ये जो 1 लीटर सोल्यूशन है वो बफर नहीं है, ये जो 1 लीटर सोल्यूशन दिया है ये वाटर का सॉल्यूशन मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1 लीटर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो वाटर है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये बफर नहीं है। तो बफर अगर नहीं हो सिस्टम में, तो हम क्या बोलें कि अगर कोई नॉर्मल सॉल्यूशन में हम एसिड बेस ऐड करेंगे तो पीएच बहुत रैपिडली चेंज होता है। बफर क्या होता है, बफर इस तरह से पीएच को चेंज नहीं होने देगा। बफर क्या है, जितना हम ऐसा सोच रहे हैं तो बफर में हम अगर हम एसिड या बेस ऐड करेंगे तो पीएच अपना चेंज, इतना रैपिडली पीएच का चेंज नहीं होता है। ठीक, तो ये बफर कैसे नहीं होता उसको देखना है। ठीक है, तो ध्यान देना, तो एक हम बफर क्यों नहीं करता, ध्यान देना बफर में आखिर बफर कैसे काम करता है कि पीएच में चेंज नहीं होगा, ध्यान देना। मान लेते हैं आपके पास एक बफर का सोल्यूशन देते हैं हम, तो बफर है तो अपना एसिडिक बफर हम चूज कर रहे हैं, बफर का टाइप यहाँ पे एसिडिक चूज कर रहे हैं, तो एसिडिक बफर में हमें ज़ूम कर रहे हैं कि आपका जो वीक एसिड है 10 मोल है, और जो सॉल्ट है यानी वीक एसिड का अनायन है वो भी 10 मोल है। ठीक है, यानी जो वीक एसिड का जो सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस वो भी क्या है, 10 मोल है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइट होता है, तो सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइट होगा तो क्या होगा, फुल्ली ब्रेक करेगा, सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइट होगा तो पूरा ब्रेक करेगा। ठीक है, पूरा ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा स्टेट आयन में प्लस Na+ आयन में। ठीक है, तो ये 10 मोल था शुरू में, तो 10 मोल क्या होगा, 0 0 हो गया, और ए बन गया, अनायन बन गया 10, कटायन बन गया 10। ठीक है, तो सॉल्ट फुली ब्रेक कर गया। अब ध्यान रहा आपका जो वीक एसिड है, वीक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, वीक एसिड बहुत कम डिसोसिएट करता है, तो मैं जूम कर रहे हैं कि वीक एसिड का अमाउंट, यहाँ से एक्स टूटेगा, यहाँ पे एक्स एस बनेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे जो वीक एसिड, जो अनायन है, ये सॉल्ट से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा, एक कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो ध्यान देंगे तो ऑलरेडी वीक, जो वीक एसिड है बहुत कम ब्रेक करता है, इन प्रेजेंस ऑफ जो अनायन है, इन प्रेजेंस जो अनायन है इसका डिसोसिएशन फर्दर सप्रेस करेगा।
इसका डिसोसिएशन फर्दर सप्रेस करेगा, ठीक है, इसका डिसोसिएशन क्या होगा, फर्दर सप्रेस करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, एक्स का अमाउंट कम हो जाएगा तो एक्स को हम 10 के टर्म में क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वी के सीट का मूल 10 हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट ना के बराबर टूटा है, और जो अनायन है वो भी क्या होगा, ऑलमोस्ट 10 होगा, यानी वो सारा सारा आ कहाँ से आ रहा है, वो सॉल्ट से आ रहा है, ठीक है। और एच प्लस का अमाउंट एक्स है, जो बहुत एक्स क्या है, एक्स वेरी इज वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी स्मॉल। तो ये आपका फाइनली बफर में ऐसा सिस्टम बन कर रहेगा, यानी आपका बफर में इस तरह से चीजें रहेंगी, ठीक है। अभी सिस्टम में अगर मान लेते हैं कि 5 मोल बेस डाल रहे हैं, 5 मोल, अभी तुम लोग जो एग्जाम्पल आपको समझा, तो उसमें 1 मोल एसिड हम ऐड किया था ना, यहाँ पे 5 मोल बेस डाल रहे हैं। 5 मोल बेस में अगर अगर हम वाटर में डालते हैं, तो वाटर में 5 मोल बेस डालते तो आपका पीएच बहुत रैपिडली चेंज करता, पीएच बहुत आगे, पीएच मतलब 14 के आसपास लेके चला जाता। तो अब देख रहे हैं कि 5 मोल जो बेस है इस बफर सिस्टम में क्या इफेक्ट करेगा। तो 5 मोल जो बेस है आपके 5 मोल ओएच को फ्री करेगा, ठीक है, आपके 5 मोल ओएच को फ्री करेगा, ठीक है। तो 5 मोल ओएच को फ्री करे तो आपको पता है कि जो आपका 5 मोल जो ओएच है वो आपके वीक एसिड से रिएक्ट करेगा। तो आपको पता है कि आपके सिस्टम में 10 मोल वीक एसिड है, तो 5 मोल जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो फुल्ली क्या होगा, फुल्ली फॉरवर्ड जाएगा, और इसमें बेस लिमिटिंग की तरह काम करेगा। तो क्या होगा, आपका बेस खत्म हो जाएगा और सारा का सारा आपके एसिड का 10 मोल से 5 मोल बचेगा, 5 मोल रिएक्ट करेगा। जो 5 मोल रिएक्ट करेगा वो क्या बनेगा, 5 मोल क्या बनेगा, सॉल्ट बनाएगा। 5 मोल जो बनाएगा सॉल्ट फॉर्म करेगा, प्लस H2O, प्लस H2O, ठीक है। तो आपका सिस्टम अल्टीमेटली क्या है, तो आपको ध्यान देना, आपके सिस्टम में जो स्ट्रॉन्ग बेस डाले थे, स्ट्रॉन्ग बेस हो क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस पीएच को चेंज ना करके स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर रहा है, वीक एसिड से रिएक्ट कर जा रहा है। आपके वीक एसिड से क्या हो रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो रहा है, आपके वीक एसिड से क्या हो रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है। तो वे स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग बेस को पीएच को चेंज करना था, वो ऑलरेडी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, और बना के दे रहा है, बना और बन के दे रहा है, सॉल्ट बन जा रहा है। अब जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट फर्दर टूटेगा, तो सॉल्ट फर्दर टूटेगा तो क्या, अनायन को फिर से, अनायन फिर से 5 मोल आ जाएगा, और जो अनायन 5 मोल देगा वो फिर से कहाँ पहुंचेगा, तो फिर से, तो अब सिस्टम में नेट अनायन कितना हो गया, तो सिस्टम में नेट अनायन हो गया, तो देखो यहाँ पे आ जाओ, आपको पहले से सॉल्ट 10 मोल था, ये 10 में से 5 मोल एक्स्ट्रा ऐड कर दियो, तब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अनायन कितना हो, 5, 15 हो जाएगा। जब 15 जो अनायन आएगा, और ये वीक एसिड अब कितना हो चुका, 5 हो चुका है, तो 5 हो चुका है, तो ये टूटना चाहेगा, तो ये जो जो 15 जहाँ पे ऐड किए हो, यानी 5 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो फिर से इसके डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा। तो फिर से इसका डिसोसिएशन क्या होगा, ना के बराबर होगा, यानी इसका जो पीएच चेंज है वो ना के बराबर होने वाला है। यानी अल्टीमेटली हुआ क्या, जो हम स्ट्रॉन्ग बेस दिए, जो हम स्ट्रॉन्ग बेस सिस्टम में दिए, वो आपके वीक एसिड से रेट करके खत्म हो गया। इसलिए क्या हो रहा है, आपका पीएच ना के बराबर चेंज होगा, आपका पीएच ना के बराबर चेंज होगा, ठीक है। तो बफर, अगर एसिडिक बफर में आप बेस को ऐड करोगे तो इससे काम करने वाला है, ठीक है। यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट के फॉर्म में चला जाएगा, तो सिस्टम के पीएच को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं करेगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि इसमें आप 5 मोल एसिड डालो, तो ये क्या करेगा, आपको पता है कि सॉल्ट में अनायन है वीक एसिड का, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एच प्लस इस पर अटैक करके इसको कन्वर्ट कर देगा वीक एसिड में। अल्टीमेटली आपका स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग है तो खत्म हो रहा है, और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग, जो आप स्ट्रॉन्ग एसिड लिए 5 मोल, कन्वर्ट कर रहा है वीक एसिड में, किस कितना मोल, 5 मोल में। तो सिंपल सच ही, आप स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सिस्टम में, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो रहा है, खुद को कन्वर्ट कर रहा है वीक एसिड में, और जो वीक एसिड है, वीक एसिड का डिसोसिएशन सप्रेस है, क्योंकि आपके सिस्टम में कॉमन आयन है, स्टेट आयन है, स्टेट आयन 5 मोल बचा हुआ है ना, तो वीक एसिड का डिसोसिएशन को फर्दर सप्रेस करके रखेगा। तो अगर डिसोसिएशन को सप्रेस करके रखेगा तो पीएच में क्या हुआ, चेंज ना के बराबर होगा, पीएच में चेंज ना के बराबर होने वाला है। तो अगर पीएच में चेंज क्या होगा, ना के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से बफर काम करता है, क्योंकि ये सॉल्ट है बाहर से कॉमन है, तो सॉल्ट कॉमन है तो क्या हुआ, डिसोसिएशन ना के बराबर होगा। इस तरह से क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो पीएच जो होगा नेगलिजिबल चेंज होगा, नेगलिजिबल चेंज होगा, ठीक है। तो बफर इस तरह से काम करता है, बफर इस तरह से काम करता है। सिमिलरली ध्यान देना, जब आप बफर, लास्ट क्लास में बताया था कि जो वीक एसिड और एन वीक बेस का सॉल्ट होता है
वो भी बफर की तरह काम करेगा। तो उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि 10 मोल है एनएच फोर सी एन का, तो उसमें क्या होगा, अमोनियम 10 मोल होगा और सी एन 10 मोल होगा। अभी सिस्टम अगर तुम ऐड कर दो बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड जो एसिड हम ऐड करेंगे वो क्या होगा, वो सी एन को रिप्लेस करेगा। तो यानी 5 मोल एसिड आप ऐड किए हो, वो 5 मोल वीक एसिड में चला जाएगा, 5 मोल वीक एसिड में चला जाएगा। यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड आप डालोगे सिस्टम में, वो खुद को वीक में कन्वर्ट कर लेगा, खुद को वीक में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो जो पीएच में चेंज होना चाहिए था वो ना के बराबर होगा, और वो चेंज ना के बराबर होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना। अगर सिस्टम में तुम एनओएच ऐड करोगे, एनएच को सीएन में जो एनओएच होगा, इसका जो ओएच है वो वीक वीक बेस के कार्बन पे अटैक कर लेगा और बनाएगा एनएच फोर ओएच। यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए आपका पीएच भी यहाँ भी क्या होगा, नेगलिजिबल चेंज होगा। यानी स्ट्रॉन्ग बेस तो खत्म हो जा रहा है ना, स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो जाएगा तो खुद को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, वीक बेस में। तो वहाँ और वीक बेस पीएच में क्या होता है, ना के बराबर चेंज लाएगा, ना के बराबर चेंज लाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। ये था बफर एक्शन, बफर कैसे काम करता है, इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। चलो यहाँ तो कोई डाउट है लोगों को नहीं? ठीक है, सर कोई समझ नहीं आ रहा भी एलिमेंट जाता हो। फिर से आपका डाउट रिपीट करेंगे, मेरे पास वॉइस क्लियर नहीं आ पाई आपका। कि नहीं नहीं वॉइस क्लियर नहीं, लक्ष्मी या मधु जो भी बोल रहे हो वॉइस मेरे पास क्लियर एकदम नहीं है। ठीक है ठीक है, तो आप अपने डाउट को टाइप कर लो, मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर टाइप कर सकते हो तो। तो बच लो, जैसे भी आप लोग बफर का एक्शन कैसे होता समझ चुका है। अब चलते हैं लोग बफर का पीएच निकालते हैं। तो बफर का पीएच निकालना ना, तो एक एसिडिक बफर का हम पीएच निकालना सीखते हैं। तो एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड होता है और उसका अनायन होता है, उसका अनायन होता है। तो यहाँ पे देखो कि वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन को C1 मान दिया गया, एक सॉल्ट दिया गया है जिसमें वीक एसिड है और वीक एसिड है विद विद स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन C2 लिया गया, क्या लिया गया है, C2 लिया है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो हम लोग बच्चे हम लोग बात कर रहे थे एसिडिक बफर में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C1 ले गया है और सॉल्ट C2 ले गया है। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा, इसका अमाउंट क्या होगा, इसका अमाउंट हो जाएगा 0 और अनायन बन जाएगा C2 और कटायन बन जाएगा C2Na+, बन जाएगा C2 बन जाएगा। ठीक है, और ध्यान देना, और हम बात करते हैं जो ऊपर वीक एसिड है, तो वीक एसिड का डिसोसिएशन ऑलरेडी बहुत कम होता है। मान लेते हैं कि वीक एसिड जो है यहाँ पे क्या है, ये अनायन कॉमन आयन की तरह फिट करने वाला है। तो हम बोल रहे हैं कि इस अनायन के प्रेजेंस में इस वीक एसिड का डिसोसिएशन जो होगा ऑलमोस्ट, अगर एक्स मानते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे X+C2 हो जाएगा, X+C2 हो जाएगा। C2 कहाँ से आ रहा है, आपके इस यहाँ से आ रहा है कॉमन आयन फ्रैक्चर, और अब X हो गया। तो यहाँ पे जो X है बहुत छोटा, X और X क्या होगा, X बहुत छोटा होगा। तो X को हम C1C2 के टर्म में क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, X को हम C1C2 टर्म में क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान बच लो। तो यहाँ तक वो समझ में आ चुका है, इसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं कि आपके पास एक वीक एसिड होगा, यानी एक बफर है, जिस बफर टाइप की एसिडिक बफर है,
कॉन्सेंट्रेशन सी वन एसिड का सॉल्ट का सी टू है, तो सॉल्ट ब्रेक करेगा तो सॉल्ट फुली ब्रेक करेगा तो क्या होगा, अनायन बनेगा सी टू और कडायन बनेगा सी टू। अब इस कडायन अनायन के प्रेजेंस में यानी एसिटेट आयन के प्रेजेंस में जो वीक एसिड का डिसोसिएशन है सप्रेस करेगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉमन आयन इफेक्ट होने वाला है, तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा आपका डिसोसिएशन क्या होगा, सप्रेस करेगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस कॉमन आयन के प्रेजेंस में डिसोसिएशन जो है वो क्या होगा सी वन माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस सी टू कर सकते हैं, और एक्स का बहुत छोटा होगा तो एक्स बहुत छोटा हो तो क्या होगा एक्स को हम सी वन सी टू तो हमें क्या सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना इस वीक एसिड का, वीक एसिड का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है के लिखा हुआ है, तो के इक्वल टू क्या होगा एसिटेट आयन इंटू एच प्लस डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ऊपर एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, एंड क्या है एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो अल्टीमेटली के इक्वल टू क्या होगा, तो एसिटेट आयन कितना है जी, तो एसिटेट आयन आपको दिख रहा होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन सी टू है, तो एसिटेट आयन हो गया सी टू, एसिटिक एसिड हो गया सी वन इंटू एच प्लस, यहाँ पे एच प्लस का जो वैल्यू होगा एच प्लस का वैल्यू कितना होगा, तो के एच प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू होगा के ए इंटू सी वन बाई सी टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी वन बाई सी टू हो जाएगा, तो एच प्लस का वैल्यू क्या हो रहा है आपका सी वन बाई सी टू हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों क्या है आपके पास है कि जो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइनली आपके पास मिल रहा है कितना मिल रहा है, एच प्लस का कौन सा मिल रहा है आपके पास, के ए इंटू सी वन बाई सी टू, के इंटू सी एन बाई सी टू है, ये आपका एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये आपका एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है के इंटू सी वन बाई सी टू। अब ध्यान देना हमको पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए क्या करेंगे माइनस लॉग करेंगे, तो पीएच के लिए हम लोग को माइनस लॉग करना है, तो माइनस लॉग करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे देखोगे तो माइनस लॉग करने पे क्या हो रहा है, माइनस लॉग के माइनस लॉग सी बाई सी टू है, तो पीएच इक्वल टू क्या, तो माइनस लॉग एच प्लस को हम बोल सकते हैं पीएच, तो पीएच इक्वल टू क्या होगा पीके प्लस लॉग सी टू बाई सी वन है, लॉग सी टू बाई सी वन है। अब ध्यान ना यहाँ पे सी टू क्या है, यहाँ पे सी टू और सी वन क्या है, तो ध्यान ना सी टू क्या है, तो सी टू है आपके अनायन का कॉन्सेंट्रेशन, बहुत लोग सॉल्ट बोलते हैं सॉल्ट मत बोलना, सी टू किसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो सी टू है आपके अनायन का कॉन्सेंट्रेशन है, तो सी टू इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन, और सी वन किसका कॉन्सेंट्रेशन एसिड का, क्या है ये ध्यान देना, सी टू है अनायन का और सी वन है एसिड का। ठीक है, तो इसका पीएच में जो फॉर्मूला है पीके प्लस एनपीएच क्या पीके प्लस लॉग सी टू बाई सी वन, तो सी टू होगा अनायन का कॉन्सेंट्रेशन और सी वन क्या होगा आपके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, सी वन क्या होगा आपके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, अब अनायन को कभी कभी क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, एसिड का अनायन जो होता है उसको क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, तो कभी कभी इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ही बोल सकते हो आप, तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नीचे और ऊपर में होगा कॉन्जुगेट बेस का। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट जो लिख रहे हैं सॉल्ट का मतलब सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट के बाद क्या बोलोगे आप अनायन बोलोगे, क्या बोलोगे अनायन बोलोगे, तो पीएच ऑफ पीएच इक्वल टू क्या होगा पीके लॉग अनायन बाई एसिड। अब ध्यान ना अगर मान लेते हैं कि ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किसका है अनायन का है और नीचे कॉन्सेंट्रेशन किसका एसिड का है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं मोल, मोल ऑफ अनायन बाई मोल ऑफ एसिड बाई, यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों में कॉमन था तो वॉल्यूम दोनों कॉमन वॉल्यूम क्या कैंसिल कर जाएगा, तो यहाँ जो भी कैंसिल कर जाएगा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है उसको मोल के रेशियो में चेंज कर सकते हैं क्या, तो कभी कभी यहाँ पे ऊपर अनायन का कॉन्सेंट्रेशन था और नीचे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन था, उसको ले सकते हो मोल ऑफ अनायन बाई मोल ऑफ एसिड, मोल ऑफ एसिड, मोल ऑफ अनायन बाई मोल ऑफ एसिड, मोल ऑफ एसिड,
मोल ऑफ अनायन बाई मोल ऑफ एसिड, ठीक है, इसको ध्यान देना आपको। तो मोल ऑफ अनायन बाई मोल ऑफ एसिड, ठीक ये हो जाएगा आपका पीएच का फॉर्मूला। अब ध्यान देना इस पीएच का फॉर्मूला में अपने काम का बात क्या है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में किसके लिए एसिडिक बफर का है, बहुत लोग कंफ्यूज करता है इसे पीएच 7 से कम होगा, ये गलत कंफ्यूजन है। जो एसिडिक बफर का पीएच है ध्यान देना, पीएच कैन बी 7 से कम भी हो सकता है, पीएच कैन बी इक्वल टू 7 भी हो सकता है, और पीएच कैन बी ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है, यानी पीएच जो है कुछ भी हो सकता है। एसिडिक बफर बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि पीएच 7 से कम ही रहेगा, ऐसा नहीं है, पीएच 7 से बराबर हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन के ए एंड सी टू और सी वन का रेशियो, यानी इस दोनों फैक्टर पर डिपेंड करने वाला है। तो एसिडिक बफर का पीएच 7 से कम मत बोल देना, ये 7 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 7 के बराबर, इवन 7 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड किस पे करने वाला है, तो के वैल्यू एन सी टू और सी वन का रेशियो पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में सेट करना, या आपको दिमाग में सेट करना है, ठीक है। 13 ऑल अबाउट एसिडिक बफर, इसमें कोई डाउट है किसी को, चलो इसमें कोई किसी डाउट है नहीं सर, इसमें मोल दिया होगा क्या? हाँ, क्वेश्चन में मोल या कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन लोग करके देखेंगे, क्वेश्चन सारा भी करके दिखाएंगे अभी आपको, ठीक है सर, तो ठीक चल कर। तो भाई चलो हम लोग एसिडिक बफर का पीएच निकाल लिए, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिक बफर पे। तो बेसिक बफर किसको बोलते हैं जी, तो जब आपका वीक बेस होगा और उसका कटायन होगा, तो यहाँ पे हम एक वीक बेस ले रहे हैं C1 कॉन्सेंट्रेशन का, और उसका जो कटायन यानी उसका जो सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले रहे हैं C2, उसका कॉन्सेंट्रेशन है C2, तो आपका सॉल्ट ब्रेक करेगा, सॉल्ट ब्रेक करेगा तो कटायन में कितना मिलेगा, तो कटायन मिलेगा मेरे को C2 मिलेगा, और एक कटायन जो होगा वो कॉमन आयन है वीक बेस में, तो वीक बेस का डिस्ट्रीब्यूशन को सप्रेस करेगा, तो वीक बेस टूटेगा ऑलमोस्ट क्या होगा C1-S टूटेगा, और यहाँ पे जो कटायन बनेगा वो एक्स प्लस C2 होगा, और जो आपका OH होगा एक्स होगा, तो यहाँ पे जो एक्स है एक्स का वैल्यू क्या होगा C1-C2 टर्म में क्या होगा, बहुत कम होगा, क्या होगा बहुत कम होगा, एक्स का जो वैल्यू है C1-C2 टर्म में क्या होगा बहुत कम होगा, ठीक। तो हम ले सकते हैं कि आपका जो वीक बेस है ऑलमोस्ट C1 है, जो सॉल्ट है यानी कटायन जो है NH4 है वो भी क्या है C2 है, और OH क्या है X बना है, तो यहाँ पे इसका आप KB लिख सकते हो, जो KB लिखो तो KB से आप, और KB में अमोनियम कटायन के बदले हम लिख सकते हैं C2, और NH4 के बदले हम लिख सकते हैं C1, तो C2 पर C1 और यहाँ पर OH हो गया। तो यहाँ पे भी इसको जब सॉल्व करोगे यानी सिंप्लीफाई करोगे तो OH के लिए हम क्या लिख सकते हैं, चलो OH के लिए हो जाएगा C1/C2 इंटू KB हो जाएगा, तो OH से हम लोग क्या निकालते हैं POH निकालेंगे, क्या निकालेंगे POH निकालते हैं, माइनस लॉग OH माइनस क्या होता है POH होता है, pH क्या हो जाएगा PKB प्लस लॉग C2/C1, यहाँ पर C2 क्या है, तो यहाँ पर C2 कटायन है, और C1 क्या है, C1 है वीक बेस, C1 क्या है वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यानी बेसिक बफर का हम POH निकालते हैं, POH निकालते हैं, बेसिक बफर पीओएच का फॉर्मूला सिंपल रहेगा, क्या रहेगा पीकेबी, तो यहाँ पे पीओएच होगा, पीएच को क्या होगा पीकेबी प्लस लॉग कटायन का मोल बाई मोल ऑफ बेस, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ले लो, कटायन का कॉन्सेंट्रेशन बाई बेस का कॉन्सेंट्रेशन, तो हो जाएगा आपका पीओएच ऑफ बेसिक बफर, ठीक है, फॉर्मूला सिमिलर टाइप का है। अगर आपको पीएच निकालना होगा तो पीएच निकालने के क्या करेंगे, पीओएच के वैल्यू को 14 से माइनस कर देना, तो आपको पीएच मिल जाएगा, ठीक है,
यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, सिस्टम का जो पीओएच है ये पीओएच 7 से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और 7 से ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन, इट डिपेंड ऑन केबी, इट डिपेंड ऑन केबी एंड इट डिपेंड ऑन केबी एंड सी टू बाई सी वन का रेशियो, यानी सॉल्ट बाई बेस का रेशियो पर डिपेंड करने वाला है चीज, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान रहे, ये रहा आपका बेसिक बफर का पीएच, इसमें कोई दिक्कत हो चलो आप लोगों को, नो सर, चलो सही है, तो बेसिक बफर का पीएच, पीएच निकालना आप सीख गए। अब होता है रेंज ऑफ बफर, एक होता है रेंज ऑफ बफर, ध्यान देना रेंज ऑफ बफर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, तो अगर बात करते सिटी बफर, तो सिटी बफर का फॉर्मूला क्या था, पीएच इक्वल टू क्या था, पीके प्लस लॉग, यहाँ सॉल्ट से बेटर क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट मत लिखना, सॉल्ट से बेटर क्या होगा, सॉल्ट के बदला रिप्लेस कर दो इसको, अनायन से लिख दो, अनायन यानी एसिड का जो अनायन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ लिख दो अनायन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पीएच इक्वल पीके प्लस लॉग, अनायन का कॉन्सेंट्रेशन बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अब बोला गया क्या गया है कि अगर आपको बफर, अगर सिस्टम को बफर की तरह एक्ट करना है तो बोला गया है ऊपर क्या होता है सी टू होता है, अनायन सी टू होता है ना, और एसिड क्या सी वन मानते हैं हम लोग, तो बोला गया जो जो सी टू का सी वन का रेशियो है अगर इसको बफर की तरह काम करना है तो रेशियो 10 से छोटा होना चाहिए और 1/10 से बड़ा होना चाहिए, यानी जो अनायन बाई एसिड का रेशियो है, जो अनायन बाई एसिड का रेशियो है वो रेशियो जो होगा 10 से छोटा होना चाहिए और 1/10 से बड़ा होना चाहिए, यानी इस रेंज में काम करना, इस रेंज में रहना चाहिए, आपकी इस रेंज में रहना चाहिए, ठीक है, तो टू एक्ट एज ए बफर, आपका जो रेशियो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए और क्या होगा 1/10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ध्यान देना, अब इस वैल्यू का पुट करते हैं, इस वैल्यू को पुट करेंगे 10 पुट करेंगे हम, इस फॉर्मूला का 10 पुट करते हैं तो पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीके प्लस लॉग 1 हो जाएगा, अगर मान ले कि रेशियो का वैल्यू को 10 पुट कर देगा तो लॉग लॉग जो 10 क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब क्या होगा जो पीएच होगा क्या होगा पीके प्लस 1 हो जाएगा, पीके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और अगर इस रेशियो को पुट करते हैं 1/10 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, अगर 1/10 पुट करेंगे तो क्या होगा पीएच क्या होगा पीके माइनस 1 हो जाएगा, पीके माइनस 1 हो जाएगा, तो जो पीएच है पीएच का जो वैल्यू है, पीएच का जो वैल्यू है क्या होगा पीके प्लस 1 होगा एंड पीके माइनस 1 तक वैरी करेगा, यानी जो बफर है, जो बफर है, बफर अगर काम कर रहा है तो बफर का जो रेंज होता है ना, बफर का रेंज होता है पीके 1 से पीके पीके माइनस 1 से पीके प्लस 1 तक, यानी एसिडिक बफर का जो रेंज होता है तो एसिडिक बफर का पीएच का जो रेंज होगा उसके बीच में रहेगा, यानी इसका जो पीएच होगा पीके माइनस 1 से पीके प्लस 1 तक ही वेरी करेगा, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं बेसिक बफर का, बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है पीओएच का, पीके बी प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, सॉल्ट का मतलब क्या होता है कटायन, क्या होता है कटायन का कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर इसको बफर की तरह काम करना है तो कटायन बाई बेस का जो जो रेशियो है वो 10 से छोटा होना चाहिए और 1/10 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब जो पीओएच का रेंज होगा पीके भी प्लस 1 होगा एंड पीके भी माइनस 1 होगा, इसके रेंज में ही वैरी करेगा, ये तो ये होता है बफर का रेंज, एसिडिक एंड बेसिक बफर का रेंज। इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, ध्यान देना, जिसको अप्लाई कर सकते हैं तो आपको समय एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया फाइंड द पीएच ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, फाइंड द पीएच ऑफ दिस सिस्टम, यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक 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 वीक एसिड है 0.3 मोल, 0.3 मोल वीक एसिड है, ठीक है, और आपका सॉल्ट कितना लिया हुआ है, तो यानी सॉल्ट यानी अनायन है 0.1, अनायन है 0.1, ठीक, तो बोला गया है इसको सॉल्व करके बोला गया है और इसका के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो के वैल्यू को दिया हुआ है 10^-5, 10^-5, ठीक है, और बोला इस सिस्टम, तो हमको दिख रहा है कि सिस्टम बफर है, सिस्टम बफर है,
बफर है तो बफर का जो पीएच, इसका जो पीएच चेंज, पीएच कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो इसका पीके का वैल्यू कितना दिया है, पीके 5 हो जाएगा, तो पीएच 6 से 4 के रेंज में वेरी करेगा, 6 से 4 के रेंज में ये वेरी करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, तो मैं एक ऑप्शन है 4.52, एक ऑप्शन है 6.5, एक ऑप्शन है 8, एक ऑप्शन 3.5। तो बोलेगा किसको टिक करें, तो हम क्या बोले कि पीएच, इसका जो बफर का पीएच रेंज है इसके बीच में होगा, तो मेरा जो आंसर होगा इसके बीच में हो, कहीं कोई नहीं कहीं होगा, तो 4 से 6 के रेंज में आंसर कौन सा दिया हुआ जी, तो आपका आंसर दिया 4.52। तो आप बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को आप यहाँ से टिक कर सकते हो, 4 से 5 के रेंज में, अगर 4 से 6 के रेंज में अगर बफर अगर भी एक ही पीएच दिया रहेगा तो उसको हम टिक कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, ठीक है। और अगर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो पीएच इक्वल टू क्या होगा, पीके, पीके मतलब पीके प्लस लॉग सी टू बाई सी वन, तो पीके 5 है, लॉग क्या होगा, लॉग 1/3, तो वैल्यू हो जाएगा 5 -0.48, यानी हो जाएगा 5 पॉइंट, यानी 4.52 हो जाएगा पीएच, 4.52 हो जाएगा पीएच आपका, ठीक है। यहां तक समझ में आप लोगों को, ठीक होता है ना, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है बफर कैपेसिटी, एक होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी क्या होता है ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आने का चांस हाई है, ठीक है। बफर कैपेसिटी का मतलब क्या समझोगे, जब भी किसी बफर में आप जब एसिड या बेस ऐड करते हो तो क्या होता है, आपका पीएच चेंज होता है, आपका पीएच चेंज होता है। जब भी किसी बफर में जब कुछ आप ऐड करते हो एसिड बेस को, तो आपका क्या होगा, आपका पीएच चेंज होगा, ठीक है। तो बोला क्या गया है, अमाउंट ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ बफर बाय 1 यूनिट, यानी बफर की पीएच को 1 से चेंज करने के लिए जितना आप एसिड या बेस रिक्वायर करोगे उसी को बोला गया है बफर बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी का सिंपल मतलब क्या है कि आप बफर का पीएच को, बफर के पीएच को 1 से चेंज करने के लिए, 1 से चेंज करने के लिए जितना आप एसिड या बेस डालोगे सिस्टम में उसको बोला गया है बफर कैपेसिटी। तो ध्यान देना, अपना बफर जितना अच्छा होगा, अपना बफर जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस रिक्वायर करेगा पीएच को चेंज होने के लिए। आपका बफर जितना अच्छा होगा उतना ही आपका एसिड या बेस ज्यादा रिक्वायर करेगा अपने पीएच में चेंज होने के लिए। इसका मतलब जिसका बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा उतना ही अच्छा बफर होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बफर कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बफर। तो जिस बफर का बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा इसका मतलब बफर अच्छा बफर है, क्योंकि उसमें पीएच में चेंज करने के लिए हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर रखना। अगला पॉइंट ये होता है कि जो बफर कैपेसिटी होता है किसी बफर का, वो मैक्सिमम कब होता है, किस पॉइंट में मैक्सिमम होगा। तो बोला गया है बफर कैपेसिटी उस पॉइंट में मैक्सिमम होता है जब अनायन बाय एसिड का रेशियो 1 होता है या फिर कैटायन बाय बेस का रेशियो 1 होता है। इन इस सिचुएशन पे कोई भी बफर अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे होता है, कोई भी बफर अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे होगा, यानी इस पॉइंट पे जो, यानी अगर हम आपको क्वेश्चन बोल दें कि बफर मेरे मैक्सिमम कैपेसिटी पे है, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब हम बोल चुके हैं कि रेशियो क्या है, रेशियो 1 है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो पीएच का वैल्यू होगा, पीएच का वैल्यू होगा पीके होगा, क्या होगा पीके होगा, एंड पीओएच का वैल्यू क्या होगा पीके भी होगा। तो जब बफर अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे होगा तो पीएच का वैल्यू पीके होगा एंड पीओएच का वैल्यू क्या होगा पीके भी होगा। ये ध्यान देना आपको, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब एक क्वेश्चन दे रहा है आपके बफर कैपेसिटी पे, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि 0.05 HCl ऐड करने पे आपका जो बफर का पीएच है, बफर पीएच चेंजेज बाय 0.02, ठीक है। फाइंड बफर कैपेसिटी, फाइंड बफर कैपेसिटी, जल्दी से फास्ट आंसर रिप्लाई करेंगे सर, क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा जी? बता दो आंसर इसका होगा, देखो वहां पे आपका 0.02 पीएच पे चेंज करने के लिए मेरे को ऐड कितना पड़ा करना पड़ेगा, एसिड 0.05, तो वन में चेंज, तो पीएच को और वन में चेंज करना है तो कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो 0.05/2, 0.02 यानी हो जाएगा 5/2, यानी कितना हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा 2.5, इसका आंसर होगा 2.5, क्या होगा 2.5। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग, यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 देख रहा होगा आप लोगों को, वहां बोला गया 0.02 मोल, 0.02 मोल ऑफ एनओएच ऐड करने से आपका बफर का जो पीएच है वो चेंज हो रहा है 5.75 से 5.80 पे, व्हाट इज द बफर कैपेसिटी, दैट इज द फास्ट बताएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है जी, फटाफट आंसर चाहिए मेरे को, सर डी शायद, शायद डी नहीं होगा आंसर, फटाफट बताना है शायद क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, हाँ सर डी निकल रहा है, डी निकल रहा है, देख लेते हैं बार, चेक कर लेते हैं, पॉइंट पीएच चेंज कितना हो रहा है, 0.05 चेंज हो रहा है, इसके लिए हम कितना बेस ऐड, सर पर 0.4 होगा, हाँ आंसर ए होगा, तो जीरो पीएच में चेंज अगर हम करें 0.05, उसके लिए हम अमाउंट कितना ऐड करें, 0.02 ऐड कर रहे हैं, तो वन में चेंज करने के लिए कितना ऐड करेंगे, तो 0.02/0.05 करेंगे, यानी आंसर कितना होगा 2/5, यानी 0.4 होगा, क्या होगा 0.4 होगा, ठीक है ये होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, तो ध्यान देना, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग बफर पे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया बफर पे आपको पीएच फाइंड करना है इस बफर का, जल्दी से आंसर बताएंगे, फास्ट, एसिडिक एसिड लिया हुआ 3 मोलर सॉल्यूशन है और सोडियम स्ट्रेट लिया हुआ 2 मोलर, आपको के दिया हो 10^-5, आपसे पीएच पूछा है, तो बफर आपको दिख रहा है कैसा बफर, एसिडिक बफर है, पीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो पीएच क्या होगा, पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड यानी आनायन बाई एसिड, तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है 3 और आनायन का कितना होगा 2 होगा, तो 5 + log 2/3 सॉल्व करके कितना आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 4.82। ठीक है, ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन, नेक्स्ट आप लोग ट्राई करोगे, तो अगला क्वेश्चन है कि बफर सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम का पीएच आपसे पूछा गया है निकाला, तो सिस्टम का पीओएच एंड पीएच दोनों बताओगे, पीओएच क्या होगा एंड पीएच क्या होगा, दोनों बताओगे मेरे को फास्ट। सिस्टम में NH4Cl 1 मोलर है और NH4OH 1 मोलर है, इसका पीओएच एंड पीएच दोनों बताएंगे फास्ट।
पीओएच का वैल्यू कितना होगा जी, पीओएच पीओएच का वैल्यू होगा 4.3 होगा, ठीक है, पीएच का वैल्यू होगा 9.7। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों का जो कटायन बेस अमाउंट तो 1:1 दिया हुआ है ना, तो कटायन बेस का 1:1 अमाउंट दिया हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल कर जाएगा, यानी रेशियो 1 हो जाएगा, रेशियो 1 हो जाएगा क्या हुआ, लॉग 0 हो जाएगा, तो बस पीएच वैल्यू क्या होगा, पी के बी होगा, ये तो रेशियो 1 है, तो लॉग 1 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो लॉग 1 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, तो पीएच वैल्यू पी के बी यानी क्या होगा, 4.30 होगा पीएच, तो पीएच क्या हो जाएगा, तो पीएच हो जाएगा 14 से माइनस कर दे तो हो जाएगा 9.7 हो जाएगा। ठीक सर, मैंने टेंटर -5 ले लिया था। हाँ तो गड़बड़ करेंगे सर, यही, मैंने माइनस को ऐड नहीं किया था, वो प्लस कर दिया था, तो आंसर अलग आ रही थी। आंसर अलग आ रहा, यही सब सिली मिस्टेक करो आप लोग, एग्जाम में भी यही करना है आप लोग को, कैसे काम चलेगा जी आप लोग का एग्जाम में, थोड़ा अटेंटिव रहना है, सिली सिली मिस्टेक से आप लोग नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस होके एग्जाम बैठना आप लोग को, नीचे में क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका बहुत पता, इसका पीएच पता करना आपको, अमोनियम सल्फेट का 1 कंसंट्रेशन है और एनएच फोरओएच का 1 दिया हुआ है और के भी दिया हुआ है 5×10⁻¹ दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपको पीएच फाइंड करना है, इसका आपको पीएच फाइंड करना है, पीएच निकालो और पीएच भी निकालो, दोनों निकालो, क्योंकि बेसिक बफर है, पीएच निकालना, पीएच एंड पीएच बहुत निकाल, दोनों निकालना है, दोनों निकालेंगे। हो गया आंसर आप लोग का, इसमें क्या होगा, बेस 1 होगा और यहाँ कटायन कितना होगा जी, सॉल्ट में कटायन यानी अमोनियम का कंसंट्रेशन 2 हो जाएगा, डबल है ना, 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो बस इसका जो आपका निकालोगे तो पीएच कितना निकलेगा, तो यहाँ पे पीकेवी का वैल्यू होता 4.3 हो जाएगा और लॉग 2 को ऐड कर देंगे, लॉग 2.3 4.6 हो जाएगा, तो पीएच होगा 4.6, तो पीएच कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 9.4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 1 मोलर एसिटिक एसिड है और बैरिमेसिएट का 1 मोलर है और के दिया हुआ 10⁻¹ दिया हुआ है, आपसे पूछा कि पीएच क्या होगा, आपसे पूछा गया है पीएच क्या होगा पता करना है।
ठीक है सर, एसिडिक बफर सर पीएच कैसे निकालोगे? चलो पीएच होगा पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, यानी यहाँ पे क्या ऊपर आयन होगा, तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो यहाँ देखो यहाँ चूंकि यहाँ टू लगा हुआ है तो आयन होगा टू और एसिड होगा वन, यानी क्या टू इज टू वन रेशियो होगा। तो पी के प्लस लॉग अनायन बाई एसिड में रेशियो क्या होगा? टू हो जाएगा। तो फाइव प्लस लॉग टू कितना होगा? फाइव पॉइंट थ्री हो जाएगा। तो एक जगह से पी एच, एक जगह इसका पी एच। मैं सोचने जा रहा ना, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एसिडिक एसिड है वन मोलर वन लीटर, इसको मिक्स करोगे आप एनओएच से पॉइंट वन मोलर नाइन लीटर, पॉइंट वन मोलर एंड नाइन लीटर, ठीक है। और वीक एसिड का के दिया हो, के कितना दिया हो? टेन पर माइनस फाइव दिया हो, क्या दिया हो? टेन पर माइनस फाइव दिया हुआ है। तो बोला है मिक्सिंग करने के बाद पीएच कितना होगा, इसका पीएच क्या होगा, मिक्सिंग का पीएच क्या होगा? मिक्सिंग के बाद पीएच क्या होगा ये बताना आपको। ठीक है ध्यान देना, इस मिक्सिंग पे क्या करोगे? ऊपर वाले में लॉग टू इसलिए आ रहा बच्चा क्योंकि यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रहा ऊपर में, ध्यान देना क्वेश्चन फोर में एसिड वन था ना, एसिड तो वन था लेकिन आपको अनायन लेना, तो अनायन देखो यहाँ पे बैरियम स्टेट दिया हो ना, बैरियम स्टेट के एक में अनायन दो निकलेगा ना, तो इसका अमाउंट टू हो जाएगा ना, बैरियम स्टेट दिया हुआ है तो इसका दो निकलेगा, इसलिए यहाँ टू इज टू वन रेशियो होगा। ठीक है नीचे वाले मिक्सिंग वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, देखो मिक्सिंग में हमेशा पहले मोल निकालते, मोल जब निकालोगे तो एसिड कितना मोल होगा, एसिड का मोल होगा वन और इसमें एनओएच कितना मोल होगा, एनओएच का मोल होगा पॉइंट नाइन। जब रेशन होगा तो आपका सोडियम स्टेट कितना बन जाएगा, तो सोडियम स्टेट बन जाएगा ये हो जाएगा आपका, अगर रेशन होगा तो जीरो होगा, ये पॉइंट वन बच जाएगा, ये बन जाएगा पॉइंट नाइन, यानी आपका जो अनायन है अनायन हो चुका है पॉइंट नाइन, और एसिड कितना बचा हुआ, एसिड बचा हुआ वन, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा नाइन इज टू वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाइन इज टू वन हो जाएगा। तो ये बफर है क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड है और उसका अनायन सिस्टम में है, बेस तो खत्म हो गया तो बफर की तरह काम करेगा। तो पीएच को लिख सकता हूँ, पीएच लिख सकते हैं पी के ए, पी के कितना होगा फाइव प्लस लॉग नाइन बाई वन, लॉग नाइन, लॉग नाइन का वैल्यू कितना होता है जी पॉइंट नाइन सिक्स, तो आंसर क्या होगा फाइव पॉइंट नाइन सिक्स, क्या होगा फाइव पॉइंट नाइन सिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो नहीं ठीक है, ठीक है तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बफर का है उसको नेक्स्ट कॉल करेंगे। ठीक है तो यहाँ तक लोगों को बफर टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, तब तक आप लोग क्या करो ना आनी एक लोगों का क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है जो भी डाउट्स हो जमा कर लेना, ठीक है तो पहले आप लोग खत्म कर सकते हो अपना।
जो भी डाउट्स होगा उसे मैं तुझे पहले ग्रुप पे भेज देना, उसे अकॉर्डिंग मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।